खुश तो बहुत हो गए तुम, और नहीं हो गए तो अभी हो जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें को दिखाने वाला हूँ पाइथन कैसे इंस्टॉल करते विंडोज़ पे। सबसे अच्छा तरीका, इस तरीके से तुम्हारे पास प्री इंस्टॉल मॉड्यूल्स भी रहेंगे। सबसे पहले क्रोम खोलो और टाइप करो एनाकोंडा पाइथन। एनाकोंडा तुम्हारी पिक्चर होगा, एनाकोंडा नहीं है, ये पाइथन का बड़ा भाई है। तो ये बहुत से काम आता है, क्योंकि इसके अंदर पहले से भी इंस्टॉल मॉड्यूल्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आओ, नीचे जाओ। वैसे तो मैं सिर्फ विंडोज़ का बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे देखो OS X और लिनक्स का भी है, तुम इंस्टॉल कर सकते हो यहाँ से 3.6 और 2.7। लेकिन मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ पाइथन 3.4, क्योंकि मुझे कीवे का इस्तेमाल करके एप्लीकेशंस बनाने हैं एंड्रॉइड के, ताकि मैं उससे पैसे कमा सकूँ। तो अगर तुम भी चाहते हो तो यहाँ पे जाओ और फिर क्लिक करो यहाँ पे। अब अपने को देखना है कि पाइथन 3.4 किस में छुपे हुए हैं। मुझे ये राज पता है, इसलिए मैं तुम्हें बता दूँगा कि वो छुपे हुए हैं एनाकोंडा 3.3 में। मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ ये, क्योंकि ये 64-bit के लिए है। एनाकोंडा 2.3 इसको क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगा, और इसको इंस्टॉल कर लेना, और फिर उसके बाद तुम्हारे पास पाइथन आ जाएगा, फिर कमांड प्रॉम्प्ट जाना। दो चीज़ें बहुत ज़रूरी सिखा रहा हूँ अभी, कि तुम मॉड्यूल्स कैसा इंस्टॉल करते हो। सबसे पहले अपग्रेड कैसे करते हैं देखो, पिप इंस्टॉल -- अपग्रेड, ये सबसे पहले करना, डाउनलोड कर दीजिए, क्योंकि इससे तुम्हारा पिप अपग्रेड हो जाएगा। उससे तुम्हारे को पाइथन के अंदर मॉड्यूल्स डाउनलोड और इंस्टॉल करने में मुश्किल नहीं आएंगी ज़्यादा। ये डाउनलोड कर, ये हो जाने के बाद तुम कभी भी पिप इंस्टॉल और फिर उसके बाद कोई भी उसका नाम, मतलब कि NAME नेम ऑफ मॉड्यूल डाल के इसको इंस्टॉल कर सकते हो। अब जैसे कि तुम्हारे को आता है ये सब, मैं ये भी बता देता हूँ पाइथन कैसा रन करना। फिर लिखना सिर्फ PYTHON पाइथन और एंटर करना। अब तुम पाइथन के अंदर, और ये तुम्हें बता रहा है कि अपने पास पाइथन 3.4.3 है, एनाकोंडा का वर्जन 2.30 है 64-bit। बाकी अब तुम पाइथन के अंदर हो, जो चाहे वो करो। ये वीडियो को लेकिन पहले लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैं अपने पाइथन की सिखाने की सीरीज चालू करने वाला हूँ, तो तैयार रहो। उम्मीद है कि तुम मेरे चीज़ों को सीख सकोगे।